अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का लुपना के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ खड़े मसाले का कीमा। ये बहुत टेस्टी बनता है, तो आप लोग भी मेरे तरीके से बनाकर देखिए, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। तो ये मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा। ये देखिए इतना मोटा मोटा, इसे कटवाना है कीमे वाले से। और फिर ये देखिए, इसमें ही मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा प्याज ले ली है, इसे रफली चॉप करना है। और टमाटर भी मैंने ले लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं, इसे भी रफली चॉप करना है। और फिर ये मैंने लिया है अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची, ये भी सब बारीक बारीक काट के रख लेना है। अब ये लिया है गरम मसाला, आप अपने हिसाब से जितना चाहे कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो मैं बहुत कम गरम मसाला यूज़ करती हूँ, तो मैं इतना ही गरम मसाला लिया है। अब ये देखिए, जिसमें ज़ीरा वगैरह सब शामिल है। अब ये देखिए, ये मैंने ली है दही, ये 1/2 किलो दही है। अब देखिए, ये मैंने डाला सब चीज़ें कुकर में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारी चीज़ें मैंने कुकर में डाल दी है, गरम मसाला भी डाल दिया है। और फिर ये इसमें डाली मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। फिर ये डाला कीमा, ये कीमा डालकर हमने इसे इसमें डाली दही, और फिर इसे हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। और फिर ये देखिए, मैंने अच्छी तरह मिक्स करके रख लिया है। अब इसमें डालेंगे, अब इसमें डालूंगी मैं तेल। तो ये थोड़ा सा चिकना कीमा था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा ही तेल डाला, ज़्यादा तेल नहीं डाला क्योंकि इसके अंदर फैट ज़्यादा था। तो ये देखिए, ये तेल डाल के इसे भी मैंने चम्मच की मदद से मिक्स कर दिया। और फिर इसे हम इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। ये देखिए, मैंने बस तेल डाल के इसको, अब ये मैं पकने के लिए छोड़ूंगी इसे 1/2 घंटे के लिए तेज़ आंच पे और 1/2 घंटे के लिए स्लो आंच पे, ये कुकर में। अब देखिए, मैंने इसको खोला तो इसमें थोड़ा पानी था, थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा थोड़ी देर मैंने पका लिया। अब ये देखिए, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा बना था। तो पानी सुखाने के बाद अब ये देखिए, एकदम सूखा सा कीमा बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन कीमा बना था। आप लोग भी मेरे तरीके से बनाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी डिश को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपको मेरा कीमा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।